गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सकाल गुरुत्वपूर्ण खबर में पुणि थे आपण मैं स्वागत करुच्चे मोजिता फ्रेंड्स। प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़े बचा बचा खबर सहित जहाँकि योजना निजुक्ति नुआ नुआ बड़ बड़ घोषणा सहित राजनीति भली गुरुत्वपूर्ण एक खबर भिटे रही महामारी के आक्रांत क्यों जिले के सुस्थ होती संपूर्ण खबर आम यही भिड मध्यम रही तेणु आपण मैंने दुई मिनिट अधिक समय दे यही भिड को शेष पर्यंत देखु एवं आज दिन खबर जानापी आपण को कौन भिड कि न्यूज पेपर देखा पड़ेनि से चलत डेनकोरी भिड उपर नजर पकड़ा नजर पकवा पूर्व जदि आम चैनल नुआ हो भिड देखुं तो तले दी नाली रंगर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर पाखे घंटी चिन्ह को देवे अल् नोटिफिकेशन को दबाई दिंतु कारण प्रतिदिन एमती लाटेस्ट अपडेट हेल्पफुल भिड सर्वप्रथम पाइबापी आम सह जोड़ रही था जहाद्वारा आम जब नुआ भिड आपण पहुँच सर्वप्रथमें नंबर एक ओडिशा रे लॉकडाउन खोलिबो ना बढ़िबो कौन कहिले आईएमडी निर्देशक आसंतु संपूर्ण खबर जानिने बा ओडिशा रे महामारी संक्रमित संख्या कमी किंतु एबे भी उपकूल रे किछि जिला रे चिंताजनक सृष्टि होइछि जाकि जुलाई 1 तारिख अनलॉक हेबो किट पूरा ओडिशा जाकि सरकार को घोषणा को अपेक्षा भितरे आईएमडी डाक्टर को सीबीके महती कहिंदि जे लोकों को सब घर भितरे रखिबा विधेय नहे जहाँकि बाहर को आसवा को पड़ कारण से जीविका रही राज्य में एवं संक्रमित संख्या कमी कमी जाइए किंतु एवं टीके एपट सेपट हो जहाँकि कटका सब सामान लोक पालन होम मानले आउ विशेष कटक आवश्यकता पड़ना आईएमडी निर्देशक डाक्टर सीबीके महांती नंबर दुई आसला पुणी पाणीपाग सूचना को नहीं बहुत बड़ खबर पाणीपाग केन्द्र भुवनेश्वर पक्षर मिले सूचना अनुसार राज्य एवं मौसमी दुर्बल रही यार प्रभाव में राज्य में गोटे कि दुईट स्थान में वज्रपात वर्षा होवार संभावना रही तेज जुलाई 1 तारिख बेलू विभिन्न स्थान में वज्रपात वर्षा बढ़िवार संभावना रही जहाँकि आगामी 24 घंटा मध्य राज्य में गोटे कि दुईट स्थान में वज्रपात वर्षा होवार संभावना रही तेणु वज्रपात होवा नहीं चेतावनी दी समय कोरापुट मलकानगिरी नवरंगपुर रायगड़ा गंजाम गजपति खोर्धा पुरी केन्दुझर मयूरभंज जिले में गोटे कि दुईट स्थान में वर्षा और वज्रपात होवार संभावना रही नंबर तीन खूब शीघ्र देश को मिलो आउ एक महामारी भैक्सीन महामारी द्वितीय लहरी मध्य टीकाकरण को नहीं आसी खुशी खबर जहाँकि देश को खूब शीघ्र आउ एक महामारी भैक्सीन मिल पाए जहाँकि ड्रग्स कंट्रोल जेनेल अफ इंडिया डीसीजी सीमित समय पर जरूरकालीन व्यवहार निम्ते मडर्ना महामारी टीका भैक्सीन को मंजूरी प्रदान कर तेबे भारत एक प्रमुख फार्मास्यूटिकल कंपनी सप्लाई को यार उत्पादन पर अनुमति मिली जहाँकि सिप्ला कंपनी पक्ष सोमवार औषध महानियंत्रक को एक आवेदन करते से मडर्ना टीका को व्यवहार करने अनुमति देवाक निवेदन करते नंबर चार प्रत्येक को मिल 300 यूनिट मागणा विद्युत 2022 रे पंजाब रे हेबाकु थिबा विधानसभा निर्वाचन को आखि आगे रखे बड़ घोषणा करिसेंति दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तेबे आप क्षमता को आसिले 24 घंटा विद्युत पूर्व विद्युत बिल उपर छाड़ एवं प्रत्येक परिवार पई 300 यूनिट मागणा विद्युत जोगे दियाइबो बोली गतकाली चंडीगढ़ प्रेस ब्लॉग रे थिबा बैठक पर ए घोषणा करिसेंति अरविंद केजरीवाल जहाँकि मतदान पूर्व से समान प्रतिश्रुति दे पूरण करिथिबा दिल्लीर उदाहरण दे कहिथिले जे एहा होची केजरीवाल को प्रतिज्ञा एवं कैप्टन को शपथ नुहे आम आम प्रतिश्रुति पूरण करुचु जहाँकि कैप्टेन प्रतिश्रुति पांच वर्ष पर पूर्ण होना नंबर पाँच महामारी कटक नहीं मुख्यमंत्री नवीन पंडा करेंगे बड़ घोषणा महामारी संक्रमित ओडिशा एवं भी ह्रास पाई किसी जिला एवं भी रेड जोन रही तेज 21 जिले में संक्रमित हार बहुत ह्रास पाई से सबू जिला मानक महामारी कटक कोहल करने सरकार चिंता करे आज इस संक्रांत में मुख्यमंत्री नवीन पंडा समीक्षा करेंगे तेज समीक्षा करने मुख्यमंत्री बड़ घोषणा करेंगे जानवाक मिली जहाँकि जुलाई पहला पर्यंत सारा राज्य में लॉकडाउन और सप्ताहांत शटडाउन जारी रही सूचना मुताबक पूरी खोर्धा कटक बालेश्वर मयूरभंज जिला रेड जोन रही अपरपक्ष संक्रमित ह्रास पाई नयगढ़ जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा और भद्रक कटक कोहल होगा संभावना कम रही नंबर छ रेजल्ट को नहीं असंतोष मैट्रिक छात्र छात्री ऑफलाइन देवे परीक्षा चलित बर्ष मैट्रिक परीक्षा फल प्रकाशित हो सारी जहाँकि प्रकाश पाई फल प्रकाश असंतोष थिबा छात्र छात्री मैंने ऑफलाइन जरिए पुणि थे परीक्षा दे पारे जहाँकि जुलाई 5 रु ऑफलाइन परीक्षा पर फॉर्म फिलअप कर 10 दिन समय निर्धारण कर तेज परीक्षार 15 दिन मध्य फल प्रकाश पाइब से ही परीक्षा फल को आधार कर छात्र छात्री मैंने युक्त 2 रे एडमिशन करें तेबे ने आज बोर्ड पक्ष स्पष्ट करस मैट्रिक परीक्षा फल को नहीं विभिन्न महल में असंतोष प्रकाश पाई मंगलवार बोर्ड पक्ष एक सामाजिक सम्मेलन आयोजन कर छात्र छात्री मनरे एक बंध दूर कर
नंबर सात आसला खुशी खबर महंगा भत्ता उपरे रोक हटेबा को राजी हेले मोदी सरकार सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी लगे खुशी खबर जाकि सरकारी कर्मचारी महंगा भत्ता डी एवं पेंशन भोगी महंगा रिहाती डीआर उपरे रोक हटेबा को मोदी सरकार राजी हो जाइछंती जाकि केन्द्र सरकारी कर्मचारी समेत पेंशन भोगी को सेप्टेम्बर मास दरमार बर्धित राशि मिली एने नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट परिचय पत्र मध्य प्रकाश करिछंती तेबे पत्र अनुसार 26 जून 2021 कैबिनेट सचिवों अनुष्ठित बैठक में केन्द्र कर्मचारी एवं पेंशन भोगी स्वार्थ नहीं बड़ निष्पत्ति उल्लेख करते गत डेढ़ वर्ष है फ्रिज डीए और डीआर नहीं आलोचना होता सूचित करते नंबर आठ ओडिशा 8 जिले में हॉलमार्क सुना बिक्री बाध्यतामूलक दोकानी बिकवे केवल हॉलमार्क सुना जहाँकि 8 जिले में हॉलमार्क सुना बिकवा को बाध्यतामूलक कर सरकार तेबे जिलागुड़िक बालेश्वर भद्रक कटक गंजाम जाजपुर खोर्धा मयूरभंज समलपुर एने ट्वीट कर सूचना देखते खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई तेबे हॉलमार्क सुना बिक्री को केन्द्र सरकार बाध्यतामूलक करवल 14, 18 और 22 क्रेट सुना बिक्री करें दोकानी तासहित 20-23 और 24 क्रेट सुना बिक्री करें दोकानी तेणु हॉलमार्क सुना देखि किणवाई मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई समस्त कि ग्राहकों परामर्श देते नंबर 9 आसला पुणी समस्त राशन कार्डधारी बहुत बड़ खबर देशर समस्त राज्य तथा केन्द्रशासित अंचल को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जुलाई 31 सुधा कार्यकारी करने को आज सुप्रीम कोर्ट निर्देश देते एसत महामारी परिस्थिति न कमिबा पर्यंत केन्द्र सरकार प्रवासी श्रमिकों मध्य सुखिला राशन बंटन करने को केन्द्र सरकार को कहते तेबे वन नेशन वन राशन कार्ड प्रोग्राम होउची एक जातीय प्लाटफर्म जहाँ राशन कार्ड हिताधिकारी बरणी जातीय खाद्य सुरक्षा आईन अनुजाई मासिक कोटा राशन एवं इलेक्ट्रोनिक्स पॉइंट ऑफ विक्रय मशीन माध्यम प्रत्याहार को अनुमति देते हैं जड़े हिताधिकारी देश में जेकोसी राशन बटन केन्द्र निज कोटार राशन नहीं पारे नंबर 10 गर्भवती महिला वैक्सीन केते सुरक्षित केन्द्र सरकार जारी कले नूतन गाइडलाइन महामारी द्वितीय लहरी में संक्रमित संख्या कमी थे भी विपद संपूर्ण टलीना जहाँकि द्वितीय लहरी न जाणु एवं तृतीय लहरी आसवा नहीं आशंका करा कि महामारी मुक्त पाइबा देश में टीकाकरण प्रक्रिया जोरसोर चली अंपटे एवं गाइडलाइन पालन करने को भी समस्त अनिवार्य कराकि संक्रमित मुक्ति पाई केन्द्र सरकार समस्त को गाइडलाइन पालन करने को कहते तेज गर्भवती मैंने महामारी टीका नहीं पारे यह संपूर्ण भाव सुरक्षित यह गर्भिणी शिशु को संक्रमित मुक्त रखे सोमवार केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय गर्भवती गाइडलाइन जारी करते गाइडलाइन स्पष्ट कर महामारी वैक्सीन गर्भवती महिला संपूर्ण सुरक्षित बोली सूचना प्रदान कर नंबर 11 यूजी पिजि परीक्षा को नहीं गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेला उच्चशिक्षा विभाग आसंता जुलाई अगस्त होगा यूजी पिजि परीक्षा केमिति क्यों ढांचे हेब से समस्त विश्वविद्यालय कुलपति कॉलेज अध्यक्ष को उच्चशिक्षा विभाग चिठी लिखी जहाँकि अनलाइन हो परीक्षा प्रस्तुत होगा कहवा विभाग पक्ष केतेक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नि तेबे जुलाई और अगस्त मास रे डिग्री शेष वर्ष एवं पीजी शेष सेमिस्टर परीक्षा ऑनलाइन रे करा जीवो एवं ता सहित अगस्त एवं सेप्टेम्बर मास रे फलाफल प्रकाश पाइब ता सहित जुलाई और अगस्त मास शेष रे समस्त बैक पेपर पर ऑनलाइन परीक्षा हेबो तेबे क्यों तारीख रे परीक्षा हेबो से ने विश्वविद्यालय एवं स्वयंशासित कॉलेज गुडी को स्थिर करिवे नंबर 12 आसंता जुलाई 1 एवं 2 तारीख रे हेबो आंदोलन मोदी सरकार तांकर विकास एजेंडार ओडिशा को फोकस करिसंति किंतु जो केन्द्र अर्थ अनुदान आसुचि ताहा तल स्तर में पहुंची पारुना बोली बीजेपी राज्य सभापति समीर महंती कहते एवं चाषी एकाठी अवहेलित जहाँकि प्रतिवर्ष फसल सहायक मूल्य बढ़ुची किंतु चाषी पाई पारुना बोली से सूचना प्रदान करते धान मंडी में व्यापक अव्यवस्था जारी रही जहाँकि समय विभाग और जोगाण विभाग समस्या समाधान करूना जहाँकि सारठू कीटनाशक चाषी पाखे पहुंची पारुना एवं टोकन व्यवस्था को नहीं अनेक अभोग आसू तेणु आसंता जुलाई 1 एवं 2 तारीख रे हेबो आंदोलन बोली से सूचना प्रदान करिसंति नंबर 13 आसिला पुणी ऋण छाड़ को नहीं बहुत बड़ा खुशी खबर महामारी गुरुतर भाव प्रभावित होइतिबारो अनुक्षुद्र एवं मध्यम उद्योग एमएसएमई उपर राज्य सरकार ऋण भार कम करने को निष्पत्ति नहीं जहाँकि मंगलवार दिन एमएसएमई विभाग पक्ष गाइडलाइन जारी कराई जहाँकि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जरिया राज्य सरकार महिला एमएसएमई उद्योगी मानक 5% और पुरुष उद्योगी को 2% ऋण उपर सुध छाड़ करेंगे जहाँकि निर्धारित समय ऋण पैठ कले सुविधा मिल पार
ଏବଂ 2021 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏହାକୁ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ନେଇ କାଲିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 14। ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 4000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍। ମହାମାରୀରେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ୟୁପି ସରକାର, ଯାହାକି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସିଏମ୍ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ପିତାମାତା ହରାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲ ସେବା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାସିକ 4000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କିମ୍ବା ଅଧୀନରେ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାମାତା ହରାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାସକୁ 4000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15। ଆସିଲା ସମସ୍ତ କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ମହାମାରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର କରଦାତାଙ୍କ ଲାଗି କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସରକାର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସମ୍ପର୍କିତ କାମରେ ଅବଧି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି TDS ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ କରଦାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବ। ଏଥିସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ଘର କିଣିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2020-21ରେ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟର ଜାନୁଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଲାଗି TDS ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଏବେ 2021 ଜୁଲାଇ 15 କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ ଶେଷ ଅବଧି ଥିଲା। ତେବେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଭାଗର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଫର୍ମ ଶୁଳ୍କକୁ ଜାରି କରିଥିବା ଅବଧି ଏବେ ଜୁଲାଇ 31 କରିଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 16। ଆସିଲା ପୁଣି ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ସଂସଦରେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ 19 ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରେ, ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବଂ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ 20ଟି ବୈଠକ ହେବ ଏବଂ ସଂସଦରେ ଏହି ଅଧିବେଶନର ପ୍ରାୟତଃ ଜୁଲାଇ 3ର ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଖାପାଖି ଶେଷ ହୁଏ। ଏଣୁ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କମିଟି ଆଗାମୀ ସଂସଦ ପତ୍ର ଲାଗି ସୁପାରିଶ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 17। ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଏହି ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍। ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁରୁଷ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ ଭାରତ ବଦଳରେ ୟୁ ଏବଂ ଓମାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୟୁ ଏବଂ ଓମାନରେ ହେବ ବୋଲି ଗତକାଲି ICC ପକ୍ଷରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ICCର ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ 17 ଅକ୍ଟୋବର T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 14 ନଭେମ୍ବର ଏହି ମେଗା ଇଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ICC ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଓମାନ ଏବଂ ୟୁରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଖେଳାଯିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଆୟୋଜନ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂର୍ବ ବୋଲି ଭାରତ ହାତରେ ରହିବ। ନମ୍ବର 18। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମହାମାରୀ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ଲାଭବାନ ହେବେ ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଣ୍ଡେଙ୍କ 1690 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମହାମାରୀ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର କିମ୍ବା ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସହରର ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ବି କରାଯାଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକି BJP ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥନୀତି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମନରେଗା ଜରିଆରେ ଜାରି କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ SFC 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ପ୍ୟାକେଜ୍, ପଞ୍ଜୀକୃତ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 1500 ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ତା ସହିତ SST ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍, ଯାହାକି 5000 ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।